हेलो फ्रेंड्स, आज हम एप्पल वेयर को रिपोर्ट करेंगे दूसरे पॉकेट में। ये टूट गया है तो ये हम गड्ढे से कंपोस्ट निकाल रहे हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट है। किचन वेस्ट कंपोस्ट भी बहुत अच्छा होता है। किचन में जितने भी कचड़े होते हैं सबको बनाते हैं, अंडे के छिलके वगैरह सब कुछ डाल के। तो ये कंपोस्ट मैंने इतना निकाल लिया हूँ और इसमें थोड़ा गोबर का भी कंपोस्ट भी लाऊंगा। मैंने बोरे में गोबर का कंपोस्ट बनाया है। ये देखिए गोबर का कंपोस्ट, ये लगभग 2 से 3 महीने में बन जाते हैं ठीक ठाक से। और कैसे बनाया इस कंपोस्ट को अगर आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो सब कंपोस्ट को मिला के मैं ले आया हूँ छत पे और मिट्टी में मिक्स कर दिया। तो इस ताई से मैंने 2-3 ताई मिलाया है और कुछ ये ढेले वाले मिट्टी है, तो मैं इसको भी, ये ढेला बना हुआ है तो इसको क्रश कर लिया। क्रश करके मिट्टी को अच्छे से मिक्स करके और फिर मैं लगाऊंगा बड़े वाले पॉट में, मछली वाला जो टब होता है थर्माकोल का जो आप साइड में देख रहे हैं, तो उसी में लगाऊंगा। ये बकेट पूरा टूट गया है और इसमें पानी भी सारा निकल जाता है और हल्का साइज भी छोटा रह जाता है क्योंकि छोटा बकेट है। तो मैं एप्पल वेयर को निकाल रहा हूँ पॉट से और देखिए आपके फिर मैं उसमें कैसे लगाना है आपको। अभी सबसे बेस्ट टाइम होता है फरवरी का, मिड फरवरी जो चल रहा है तो सबसे अच्छा टाइम है आप रिपोर्टिंग करने का। एक ये टाइम बहुत अच्छा होता है और एक ये अगस्त लास्ट अगस्त और सितंबर में जो बरसात का समय होता है उसमें भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो अभी पत्तेझड़ चल रहा है तो सारे पत्ते चले गए, नया पत्ते अब आना स्टार्ट भी हो गए हल्के फलके। तो मैं थर्मोकोल का जो ऊपर का ढक्कन होता है मछली वाला टब का, उसको छत के नीचे लगाऊंगा क्योंकि छत हमारा ख़राब नहीं हो। तो जहाँ पे दीवाल है दीवाल पे ही आप ऐसे करके रखें जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। मैं वीडियो थोड़ा स्पीड बना के दिखा रहा हूँ तो आप देखते रहें कि कैसे क्या करना है। तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ आपको। और फिर उस जगह पे सफाई कर लिया और इसमें चीकू का प्लांट लगा हुआ है, चीकू का प्लांट लगा हुआ है और फिर मैं उसको साइड करता हूँ क्योंकि वो वहाँ पे बहुत दिन से पड़ा हुआ है। इस तरीके से आप ऐसे करके लगाए थर्मोकोल में, या दीवार पे मैंने रख दिया है और मिट्टी को अच्छे से मिक्स करके कंपोस्ट है इसमें, मिट्टी है लगभग इस मिट्टी में 40% कंपोस्ट है और 50% मिट्टी है और 10% कोकोपीट भी मिला हुआ है। तो उस मिट्टी से मैं एक दो बार पौधा, मतलब छोटे छोटे गमले में कुछ बैगन वैगन फलता है ये वो, फिर उस मिट्टी को सुखा कर रिचार्ज करके फिर वही मिट्टी मैं इस टब में डालता हूँ और अच्छा फ्रूटिंग होता है क्योंकि कंपोस्ट मिला देता हूँ। तो थर्मोकोल में आप इस तरह के टब में 2-4 गड्ढे कर लेंगे, नीचे छेद कर लेंगे चाकू की सहायता से और वहाँ पर पत्थर रख के ऊपर से मिट्टियाँ डाल देंगे। मिट्टियाँ डालने के बाद आप आराम से एकदम पूरा सूखी मिट्टी होना चाहिए और फिर इस एप्पल वेयर को आप लगा देंगे। तो हाल ही में आपने देखा था कि जनवरी में बहुत सारे एप्पल वेयर टूटे थे, बहुत सारा मीठा भी लगा था। और एक बार छत पे लगा देने के बाद साल में 2 बार फल आते हैं इसमें। मैंने नर्सरी से इसको 250 रुपये में ख़रीद के लाया था, बहुत छोटा ही, और लगभग 1.5 साल हुए इस पौधे को। तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा हो गया है। और 2 बोतल लेंगे आप इस तरीके से जैसे कट किया हुआ, 2-4 छेद किया हुआ और दोनों साइड लगा देंगे क्योंकि बड़े वाले टब में लगाने के बाद अंदर तक पानी नहीं जा पाता है। और कोई भी खाद न्यूट्रिशन देना होगा तो हम इसी बोतल में डाल देंगे, छिलके वगैरह जो भी होता है, पपीते का, फल का, अनार का, संतरे का, केले का, जो भी छिलका उलका होता है सब, आलू वालू का, सब उसी में डाल देंगे और ऊपर से पानी डालेंगे उसी में। तो आप देख रहे हैं कि लगभग फिट हो गया है और कैसे लगाना है तो अच्छे से ठोक ठाक के मैंने लगा दिया है। अब इसमें नए पत्ते आ रहे हैं तो अभी हाल ही में फूल भी आएंगे और फूल आएंगे तो एक प्लेनो फिक्स करके स्प्रे होता है, 1 बूंद 1 लीटर पानी में डाल के ऊपर से छिड़क देने से फल का साइज बड़ा होता है और मीठा भी लगता है। तो पानी भी मैंने डाल दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।